एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं तीसरी बार ये वीडियो रीटेक करके ऐसे बना रही हूँ और पता नहीं कैसे सब लोग बैठ के बातें करते हैं और बातें करते जाते हैं, उनके 10 मिनट पूरे हो जाते हैं, 11 मिनट 12 मिनट के वीडियो, आधे आधे घंटे की वीडियो बन जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे तो प्रॉब्लम हो रही है, मैं सोच रही हूँ मैं क्या बात करूँ इतना, और घुमा फिरा के बातें करने आती भी नहीं है मुझे। और गाइस, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आप लोगों ने फर्स्ट सैलरी का वीडियो लाइक किया तो उसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा बधाइयाँ दी। पहले तो उसके लिए जो मेरे लिए खुश हुए, जैसे कई लोगों ने तो ये भी कमेंट किया कि दीदी जैसे मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, मुझे जैसे लगा कि मेरी सैलरी आ गई। तो इतना कोई अपना ही कह सकता है, तो थैंक यू सो मच, इतना स्पेशल आप लोग मुझे समझते हो। और बाहर आवाज़ आ रही है, और बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी आपकी सैलरी कितनी आई, दीदी आपकी सैलरी कितनी आई। जैसे कि आप लोग को पता है कि सैलरी बताना यूट्यूब के, मतलब यूट्यूब के खिलाफ है, अलाउ नहीं करता यूट्यूब की सैलरी बताओ आप। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा ये मेरे यूट्यूब में या फिर मेरे चैनल में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो और मैं आपसे दूर हूँ। आप लोग से बातें करके ही थोड़ा दिल हल्का हो जाता है मेरा। तो बाहर आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि ना वो काम करने वाली दीदी आई हैं, और तो कुछ इस तरीके से। तो मैं एक सेट बता दूंगी मोबाइल का, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरी सैलरी कितनी आई है। और मैं सोची थी फर्स्ट सैलरी का कुछ और करूंगी, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि आप लोग हमेशा कमेंट करते हो दीदी आपका आवाज़ सही नहीं आता, आप कुछ करो आप कुछ करो। तो मुझे लगा नहीं, जिसके द्वारा मैं जुड़ी हूँ, आप लोगों से जुड़ी हूँ मोबाइल के थ्रू, तो पहले उसको सही करना चाहिए और ज़रूरी भी है, क्योंकि आप तक मेरी बात ही ना पहुँचे तो क्या मतलब है फिर वीडियो का। तो इस वजह से मैंने सोचा कि पहला जो सैलरी मेरा आएगा उससे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मोबाइल लूँगी। तो बहुत लोग मेरी बातें नोटिस करते हैं, कहते हैं आप इतनी बार और बोला है, आप इतनी बार दोहराए हो ये बात। तो क्या करूँ यार, मैं नहीं हूँ बनावटी, मैं स्क्रिप्ट नहीं लिख के चलती, मैं जो मेरे मन में आता है मैं वही बोलती हूँ। अब बहुत लोग ये चीज़ें पसंद भी करते हैं, तो और मैं भी पसंद करती हूँ कि नेचुरल रहो और नेचुरल तरीके से जो भी हो जैसे भी हो, अगर उस तरीके से इंसान सामने वाला आपको एक्सेप्ट करता है ना तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बनावटी चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चल पाती हैं। और जो जैसे आप रहोगे पूरी ज़िंदगी रहोगे तो अगर सामने वाला एक्सेप्ट करता है ना तो उसको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही है, अब आप तारीफ समझ लीजिए इसकी या फिर मेरी कमी समझ लीजिए, मुझे नहीं पता। और तो गाइज, ज़्यादा बातें नहीं घुमाती हूँ और बताती हूँ कि मैंने कौन सा सेट लिया है। वैसे मैं घुमा फिरा के बातें नहीं कर पाती कि मैं इतने घुमाऊँ और फिर लास्ट में बताऊँ, जैसे कि मैंने देखा है अधिकतर सब लोग करते हैं। ठीक है, सबका अपना सोच है और सही भी है, अगर लास्ट में ना बताओ तो सब लोग वीडियो फुल वॉच नहीं करते हैं, तो अच्छा तरीका है। ठीक है, और आज मॉर्निंग में मैं 3 बजे सोई और आराम से, आज सैटरडे था, छुट्टी था, सब लोग आराम से उठे हैं। और तो गाइज, मेरी सैलरी जब आई थी तो मुझे फ़ोन लेना था, तो मैंने जैसे कि अब क्या बताऊँ, मैंने जैसे पूछा कि कौन सी मोबाइल अच्छी है, और तो भैया लोग ने बताया कि ये मोबाइल अच्छी है वीडियो के लिए। तो मैं बोली ठीक है ऑर्डर कर दीजिए, पापा कह रहे थे कि पेमेंट कर दूंगा कर दूंगा, मम्मी कह रही थी, लेकिन मैम मुझे नहीं था, मुझे इतनी सैलरी तो है मेरी कि आई है कि मैं एक मोबाइल तो ले ही सकती हूँ, और प्लस मेरी पहचान, मुझे याद भी रहेगी कि मैंने फर्स्ट सैलरी का क्या लिया था, मैंने जो अर्निंग की थी तो मैंने क्या लिया उसका।
और गाइस, हो सकता है मैं इस बीच में वीडियो भी लगा दूं जब मैं मोबाइल खोल रही थी जब आया था, और जब शायद उस टाइम, क्योंकि ना ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया था, और जब आता है ना कभी कभी ऐसे हो जाता है कि कुछ और चीज़ें निकल आती हैं, तो रिकॉर्डिंग कर लेना चाहिए जब भी ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हो महंगी चीज़ें, तो प्रूफ रहता है ना कि आपके पास कि ये चीज़ें निकली हैं। तो ऐसा मैं यहाँ पे आके सीखी हूँ, मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी होता है। मम्मी बताई कि ऐसे किया करो, और महंगी चीज़ें आती हैं तो थोड़ा ध्यान रख के किया करो। कई बार ऐसा हुआ है, सॉरी मोबाइल गिरने से बची, सॉरी, कई बार ऐसा हुआ है कि ऑर्डर करने पे कुछ और चीज़ें आ गई हैं, भर के दे दिए, जैसे कि एड वेड में दिखाया था रहता है ना, जैसे न्यूज़पेपर में आया था, और मैंने कहीं ऑनलाइन भी देखा था, कहीं पे वीडियो देखा था। तो मैं बोली ठीक है, मैं मम्मी बनाऊँ, तो मम्मी बना रही थी, मैं मोबाइल ऑन की थी, और शायद उस टाइम मैं जब ऑन करके ऐसे मैं रोने लगी थी, तो शायद वीडियो नहीं तब था, लेकिन मोबाइल जब मैं खोल रही थी देखने के लिए कि कैसा है, तो मम्मी वीडियो बनाई थी, और मैं वो वीडियो लगा दूंगी, आप देख लेना। तो गाइज, ये है मेरा, तो गाइज फर्स्ट सैलरी से मैंने लिया है, जो मैं दिखाऊं तो ये है। तो गाइज, मैंने फर्स्ट सैलरी से अपनी ये मोबाइल ली है, और इसमें से मैं निकाल दी हूँ, ये बॉक्स है, और मैंने सॉरी फोन किया। एवरीवन, मैं जो वीडियो रखी थी वो मोबाइल ले खोलते टाइम वो शायद डिलीट हो गया। मैं वही खोज रही थी कि लगा दूँ, आप लोग देख लो, लेकिन वो डिलीट हो गया, तो सॉरी। और फिलहाल मोबाइल तो मैंने दिखा ही दिया है, आप लोग देख लो। मैंने सेटिंग कर दिया है अधिकतर, और आप देख सकते हो ये वो सेट है, और ये लवली की और मेरी फोटो लगी हुई है इसमें। और तो गाइस, मैंने लिया है V20 वीवो का, और आप इतना तो लगा सकते हो अंदाजा कि अब कितने का मिला होगा। जितना का मिला होगा उतनी सैलरी आई है मेरी, उससे थोड़ी सी कमी आई थी, लेकिन मेरे पास पैसे थे कुछ, तो मैंने मिला के उसको ले लिया, 2-3 हजार मिलाई मैं, और तो यही है। लेकिन ना, जो मोबाइल की क्वालिटी मेरी इस मोबाइल की है, वो क्वालिटी इस मोबाइल की मुझे नहीं लगती वीडियो की, क्योंकि इसमें अच्छा आता है। और तो गाइज, आपको कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा, और अब मैं इतना वीडियो जा रहा होगा, इतने भी बंद करके कई लोग तो चेक करने चले गए होंगे कि वीवो V20 का प्राइस क्या है। तो चलो यार, आप लोग खुश हो तो अच्छी बात है, और बहुत लोग कमेंट किए थे तो मुझे लगा कि जरूरी है बताना, और ठीक है, क्या कर सकते हैं। लेकिन अर्निंग इससे 3-4 हजार रुपये में मिलाई थी, पापा बोल रहे थे कि रहने दो मैं पेमेंट कर दे रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं था, मुझे हाँ ठीक है, मैं अपना मैनेज कर सकती हूँ, इतना तो हो गई हूँ ना। तो चलो फिर, आई होप आप लोग अच्छे हो गए, और मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोग को। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, जैसे कि आप मेरी मम्मी को और मुझे और मेरी फैमिली को बहुत लाइक करते हो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, और बहुत पॉजिटिव कमेंट देते हो, और ये भी बोला कि दूसरे चैनलों पे भी मेरी तारीफ हो रही है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और बातें मेरी गोल मटोल सी अगर आपको लगे, थोड़ा भी मैं आपको बोर की हूँ या कुछ भी, तो सॉरी, मैं ऐसी ही हूँ, मैं क्या करूँ। और कुछ इस तरीके से आता है लुक इसका, ब्लू पर्पल। तो अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरे सब्सक्राइबर और भी बढ़े यार। और आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में कुछ स्पेशल मिलने वाला है, आप स्पेशल कोई है जो मुझसे मिलने आ रहा है, मैं उससे मिलाने वाली हूँ आपको, तो नेक्स्ट वीडियो का मेरा वेट करिएगा। हो सकता है कल वो वीडियो आपको मिले मॉर्निंग में, शाम को वीडियो तो मिलेगी ही मिलेगी,
तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू लॉट्स। ध्यान रखिए, कोरोना से बच के रहिए। और अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किए हैं तो वहाँ फॉलो कर लीजिए। मेरी आईडी, इंस्टाग्राम आईडी है कल्याणी 4456। मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप कल्याणी 4444 और 56 डालोगे तो वहाँ पे मेरा आ जाएगा। और कल्याणी 4456 से है भी नाम मेरा, कल्याणी लवली सिंह। तो वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लीजिए, और मेरे रील्स और मेरे कुछ पुरानी यादें हैं आप देख सकते हो। तो चलो ठीक है, बाय बाय।